हाय गाइस, दिस इज मनमोहन गुप्ता टॉकिंग टू यू ऑन दिस वीडियो अबाउट सुशांत सिंह। मेरा बैकग्राउंड देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि सुशांत सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। गाइस, मैंने पहले बोला था कि मैं VMC चैनल पे इसके बारे में, सुशांत के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो पीपल वर आई डोंट वॉन्ट पीपल टू यू नो जज मी फ्रॉम दिस, बट यू नो लाइक इतने रिस्पॉन्स आए, इतने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि, क्योंकि सुशांत मेरा स्टूडेंट था, हमारा स्टूडेंट था VMC का, तो आप VMC चैनल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मैं मुझे लगा कि मेरे को यू नो लाइक आई डोंट नो हाउ पीपल रिएक्ट। लेकिन अब बड़ा स्पेशल कॉज है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम सपोर्ट मिले सुशांत के लिए, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता हूँ, बिकॉज ही वॉज अ एक्स VMCN। तो मेरा, अगर आपने देखा होगा, ये मैंने ब्लैक अपने सर पे, ये यू नो इसको बॉडी से कि ये अपना बैंड पहना हुआ है और शर्ट भी पहनी हुई है। तो इसका सिर्फ रीज़न ये है कि एक प्रोटेस्ट पहले भी हुआ था और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था, कैंडल प्रोटेस्ट था। तो ऐशकिरण भंडारी हैं जो लॉयर हैं, जो सुब्रमण्य स्वामी के साथ ये फाइट लड़ रहे हैं, और भी बहुत लोग लड़ रहे हैं। तो ऐशकिरण ने जो अभी नया प्रोटेस्ट अभी डिक्लेयर किया है, प्रोटेस्ट से क्या होता है कि आम आदमी इकट्ठा हो जाता है, आम आदमी इकट्ठा होता है तो आवाज ऊंची हो जाती है। अगर दो चार बोलते हैं कोई नहीं सुनता, वही 50 सुनते हैं तो थोड़े लोग सुनते हैं, वही 50 की जगह 5,000 लोग बोलते हैं तो आवाज बहुत गूंजती है। तो ये तो 5,000 की बात नहीं है, ये तो 5 लाख की बात भी नहीं है, 50 लाख लोगों की बात है जो गूंज रहे हैं, बोल रहे हैं फॉर सुशांत। तो मेरा ये है कि यार, मतलब अगर अगर आपको बुरा लग रहा है बोल रहा हूँ तो आप इग्नोर कर सकते हैं, और इग्नोर क्यों, आपने वीडियो पर क्लिक क्यों करा, आपकी गलती है, आपने क्लिक करा और मेरे को क्लिक करके गाली देना चाहते हैं, तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है, एक कॉज है और मैं कॉज का पार्ट हूँ, तो मैं तो बोलूँगा। तो यार गाइज, ये है कि कल 7 अगस्त को 8 o'clock पे एक नया प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं और बहुत लोगों की सपोर्ट चाहिए। लास्ट जो कैंडल सपोर्ट था उसमें, अगर आपको आइडिया हो, उसमें 20 लाख लोगों का सपोर्ट आया था। तो इस बार टारगेट कम से कम 50 लाख का है, और मतलब उसके बियॉन्ड जाना है। तो मेरे को, मैं तो, मेरा ये है कि अगर मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्ट होते हो मेरे से, VMC से, या ही वॉज एक्स VMCN उससे, तो गाइस एक सपोर्ट मतलब कितना, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा। तो एक वो सपोर्ट करनी है कि जो सपोर्ट है, क्या सपोर्ट ये है कि यार तुम्हें अपना हैशटैग है, बताता हूँ, हैशटैग डाल के सोशल मीडिया, अगर नहीं हट्टी वो तो करने की ज़रूरत नहीं, इग्नोर कर लो, शेयर कर दो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आपने यू नो मतलब जितना भी कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप करो, लेकिन आइडिया है कि हमें ब्लैक में दिखाना है कि हम यू नो एक जस्ट एक हैशटैग नहीं करना है कि फॉरवर्ड कर दिया कि कहीं से भी, मैंने देखो ब्लैक बैंड पहना हुआ है, आप गले में कोई मतलब मफलर टाइप पहन सकते हैं, या यू नो मतलब कोई ब्लैक क्लोथ हो, मॉम का हो, सिस्टर का हो, चुन्नी टाइप, जो ब्लैक चुन्नी होती है वो देख सकते हो, जो भी घर में मिल जाए उसमें भी चल जाएगा, कुछ भी, मतलब ब्लैक मास्क हो, अगर आप कोविड चल रहा है मास्क है, कहीं से भी कोई दिखाना है कि हम लोग पार्ट ऑफ दिस यू नो इनिशिएटिव हैं, पार्ट ऑफ दिस वॉर हैं। और वॉर क्या, किस इनजस्टिस हो रहा है, और इनजस्टिस तो होता रहता है आम आदमी के साथ, लेकिन इतना बड़ा इनजस्टिस मतलब पिक्चरों में देखते थे कि मतलब बड़े बड़े लोग मर जाएं, और मतलब जो भी इन्वॉल्व है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि बिकॉज मेरा काम नहीं है बोलना कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, मेरा एक कॉज में सपोर्ट करना है और मैं कनेक्टेड फील कर रहा हूँ इसलिए, बिकॉज फैन हूँ और कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो सपोर्ट अपना देना बनता है, चुप रहना हमेशा ठीक नहीं होता है, बोलना बनता है लाइफ में। तो मैं गाइस वही कह रहा हूँ कि अगर आप प्लीज़, अगर मतलब अगर आप खुद डायरेक्टली सपोर्ट दे पाते हैं वो भी ठीक है, नहीं दे पाते तो कम से कम कहीं आप स्प्रेड करने में हेल्प कर दो, वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में, कहीं ना कहीं मैक्सिमम सपोर्ट देना है। और मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे कोई लाइक और मेरा ये पर्पज़ नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम नॉट इन टू दैट कि मुझे लाइक चाहिए, मतलब मैं तो टीचर हूँ और मतलब अपना काम, अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो अलग बात है, ये तो मैं सिर्फ सपोर्ट देनी है हमें, हमें आवाज़ उठानी है, और आवाज़ से फ़र्क पड़ा। अगर आप देखें ये केस, अगर मुझे नहीं पता फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, स्टूडेंट हैं तो उस तरह ना कर रहे हूँ, लेकिन सिर्फ आम आदमी की, जनता की सपोर्ट से ही जो मेजर फ्लॉ था, मेजर घपला था, वो सामने आने शुरू हुए। तो देखा है कि आम आदमी की जनता जो हिला सकती है,
पॉलिटिक्स चल रहा था, लेकिन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड की अगर यार लोग जब शोर मचाते हैं अपने पे आते हैं तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, वाली बात है। जब लोग अपने पे आते हैं तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, तो वही बात है यार, हमें पावर दिखानी है और दिखा रहे हैं पावर। तो उस चक्कर में सपोर्ट से लगता है कि यू नो एक यूनिटी कैसे पता चलेगा, इतने लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जगह जगह बात कर रहे हैं। तो एक कॉज के लिए जब आप बोलते हैं तो कॉज बताने के लिए लोग यूनाइटेड हैं, कैसे पता चलेगा? एक सपोर्ट, एक तब ये इस ये यही है कि अगर हम सोशल मीडिया पे अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं, तो वहीं से पता चलता है कि देखो यार, जैसे हमारे टाइम क्या होता था, अभी भी होता है कि तुम जाके पेपर पर साइन करो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। अब वो हैशटैग है, हैशटैग है जो आपने हैशटैग को डालना है। तो हैशटैग मैं अपने, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने अभी प्रिंट आउट लिया, इसमें दिखेगा नहीं, कैमरा है तो उल्टा दिख रहा होगा। तो हैशटैग वॉरियर्स फॉर SSR, वॉरियर्स फॉर SSR, बिकॉज वी थिंक वी आर वॉरियर्स इन दिस वॉर। तो ये जनता कोई मतलब ठीक है, भाई चैनल्स हैं, उनको लगता है उन्होंने बहुत सपोर्ट करी है, बहुत किया है उन्होंने, आम आदमी तो चिल्लाता रहता कोई नहीं सुनता। तो बहुत लोग हैं जिनकी सपोर्ट से ही हम ऊपर आए हैं, लेकिन बैकग्राउंड सिर्फ आम आदमी था, सपोर्ट आम आदमी की थी, आवाज़ आम आदमी की थी, लेकिन आवाज़ को एम्पलीफाई चैनल्स ने किया है, या इश्कर मंडारी हैं, सुब्रमण्य स्वामी हैं, या रिपब्लिक चैनल है, मैं तो ये फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि ये वजह से, और भी बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अपडेट देते रहते हैं मुझे, मैं उज्जवल त्रिवेदी है उनका मैं ब्लॉग हमेशा देखता हूँ, मैं फिल्म विंडो उनका ब्लॉग देखता हूँ, तो वो हर मिनट में अपडेट देते हैं, वो फायर को एनहेंस करते रहते हैं, फायर को जगा के रखते हैं। तो गाइस ये है, एक बार उल्टा दिख रहा है, मैं अपने स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, तो एक बार आप देख लो, ये है, ये आपने हैशटैग है, हैशटैग वॉरियर्स, मैं ऐसे देखो फॉर SSR। तो जो भी सपोर्ट हो बन पाए यार, मैं भी कॉमन आदमी हूँ, आम आदमी, मैं भी अपनी सपोर्ट दे रहा हूँ, तो मेरे को कोई मतलब मेरे से जो कनेक्टेड है, जो VMC से कनेक्टेड है, उनको भी सपोर्ट देनी है। और सपोर्ट कोई, मान लो आप कहेंगे सुशांत सिंह कौन है, मतलब क्या बड़ी बात है, ठीक है एक्स VMC था वो, ठीक है वो तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट एक 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 मतलब यंग जनरेशन है वो, स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल कनेक्टेड टू मी आर द यंग जनरेशन बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स। एक हम एक मैसेज जो एक सोसाइटी के लिए आगे एक एक कोशिश है कि मतलब कि तुम गंद गंद साफ करना है, जो कूड़ा है वो साफ करना है, जो एक एक एक्सप्लॉयटेशन है उसको किल करना है, एक जो मतलब मैं जो जो मतलब यू नो सफाई करनी होती है, या तुम्हें जो मतलब एक एक बैड एलिमेंट से सोसाइटी में उनको हटाना है, और एक अच्छी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे जो यंग किड्स हैं उनके लिए कुछ तो छोड़ के जाए। मैं कह रहा हूँ कि प्योर नहीं हो सकता, कोई बिल्कुल प्योर कभी नहीं होता, हमेशा ग्रे लेवल्स होते हैं। मेरा ये फंडा है कि ये ब्लैक है और ये वाइट है, बट इट कैन नॉट बी ऑलवेज ब्लैक एंड ऑलवेज वाइट, देर ऑलवेज सो मेनी ग्रे लेवल्स इन बिटवीन। तो हमें, हम मूव कर रहे हैं प्योर ब्लैक से, या मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक से, टू एटलीस्ट लाइटर ग्रे शेड्स पे। मैं नहीं कह रहा वाइट हो जाएगा सब कुछ सीख ठीक हो जाएगा, लेकिन मजाक होता है यार, कहीं तो मजाक हो रहा है, मतलब मैं केस में नहीं जाऊंगा, यू नो बहुत लोग केस की बात कर रहे हैं, उनके पास सो मच इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे क्या हो रहा है, कि केस में कितनी बदमाशी हो रही है, तभी CBI इतना इतना एक्शन, इतनी जल्दी इतनी चीज़ें मूव हो रही हैं। क्यों मूव हो रही हैं? बिकॉज लोगों को लग रहा है कि मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है, या CBI को लग रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है, नॉट द बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट, वो तो हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, कि अगर नहीं कुछ लेंगे तो लोग फाड़ देंगे, लोग हिला देंगे। ये तो कोविड ना होता तो लोग मतलब सड़कों पे आ जाते, मतलब जो सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट जितनी हो सकती है हम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मतलब एक मजाक बना रखा है, एक मतलब क्राइम को छुपाने का जो मतलब जिसे मतलब कहते हैं कि मतलब टोटली मतलब जो नंगपन हो रहा है, जो मैं वर्ड यूज करूँगा बोलना नहीं चाहता, मतलब बिल्कुल, तो वो जो मतलब बिल्कुल ही मतलब वो हमें किल करना है, कि मतलब जो जो मर्जी कर लेगा ऐसा नहीं होगा, मतलब राज्य मतलब जो जो मतलब मेरा अपना लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरा राज्य चल रहा है, कि मतलब मैं जो चाहूँगा वो होगा, और मतलब हम तो किंग है। पिक्चरों में देखते हैं यार कि मतलब कि भाई यू नो मतलब जो विलन है वो पॉलिटिशियन भी वही है, वो सरकू वही है, मतलब वो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है, वो रिच मैन है, सब कुछ टिपिकल मूवी वाला स्टाइल है, बट अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। आम आदमी ऐसे सब टॉलरेट नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे लोग मरने शुरू हो जाएंगे तो हम आदमी, आम आदमी क्या है, मतलब सेलिब्रिटीज मरने शुरू हो जाएंगे जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई उनको एलिमिनेट करें, उन्होंने कर दिया बिकॉज दे हैव अ सॉलिड कनेक्शन विद द गवर्नमेंट विद द पुलिस। तो आम आदमी तो मतलब
मतलब यू नो मतलब क्या, मैं तो कूड़ा कूड़ा करता है, करकट है, उनको ऐसे ही जला देंगे। तो यही सपोर्ट है यार, मैं इट्स ए 21st सेंचुरी, यू कैन नॉट टेक अस लाइटली, यू कैन नॉट यू नो मतलब, और इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तुम पुराने ज़माने की इतना मतलब हम सर सहेंगे नहीं, हम तो आवाज़ उठाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। और ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही मतलब अगर आप बाकी कंट्रीज देखेंगे तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आम आदमी सड़कों पर मर जाए, कोई चिंता नहीं है। तो ये नहीं चलेगा इंडिया में, जो मतलब एक छोटा मोटा पॉलिटिशियन है, गुंडा है, जो मर्जी करता है, वो नहीं चलेगा। उसके लिए से आवाज़ उठानी है, उसको हमें किल करना है। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सपोर्ट, दैट्स द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो।